जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एस के सर में। कैसे हैं मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने मेडिकल और फिजिकल में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपको मेडिकल और फिजिकल में क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे SSGD, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर अग्निवीर का अगर आपका मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और यूजफुल रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कैंडिडेट्स हैं छोटी छोटी गलतियां करके क्या है कि मेडिकल में चले जाते हैं और वहाँ पर क्या है कि उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रकार के जो भी पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि SSGD कैंडिडेट्स का जो मेडिकल और फिजिकल है वो 23 तारीख से शुरू होने वाला है। सबसे बड़ा उनके एक ही प्रश्न है अभी कि सर, हमारा जो फिजिकल और मेडिकल होगा तो हमें वहाँ पर कितने दिन रुकना पड़ेगा। तो वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका मेडिकल और फिजिकल है वो आपका साथ होने वाला है तो आपको क्या है कि कम से कम 7 से 8 दिन आपको वहाँ पर रहने की जो बंदोबस्त है वो करके जाना है। 7 से 8 दिन क्यों लगेंगे आपको, वो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि जो आपका फिजिकल होगा, सबसे पहले फिजिकल के बाद में क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका होगा मेडिकल। इस प्रकार से आपका जो तीनों चरण है वो साथ होने वाले हैं और तीनों में है वो लगभग आपको 4 दिन का समय लग जाएगा। और 4 दिन में क्या है कि कुछ कैंडिडेट्स को है BP जैसे पॉइंट मिल जाता है, तो उसमें क्या है कि आपको 3 रीडिंग लिया जाता है। 3 रीडिंग का मतलब होता है कम से कम आपको प्रत्येक दिन आपका रीडिंग लिया जाता है जो आपका BP का पॉइंट होता है उसके अंदर, और आपको 3 दिन वहाँ पर एक्स्ट्रा लग जाता है कैंडिडेट्स को। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि 7 से 8 दिन तक आपको क्या है कि रुकने का बंदोबस्त वहाँ पर लेकर जाना है। वहाँ पर कोशिश करना है कि आप अच्छा सा कोई होटल या फिर किसी प्रकार का आपको धर्मशाला मिल जाए, वहाँ पर आपको क्या है कि पूरे प्रॉपर जहाँ पर आपको नींद भी मिल सके ऐसा आपको वहाँ पर बंदोबस्त करना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि वहाँ पर आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और आपको क्या क्या मेडिकल से पहले है वो आपको करके जाना है। तो मैं बता दूँ दोस्तों, सबसे पहले आपको है जहाँ पर आपका फिजिकल होगा उससे आपको एक दिन आपका सेंटर है वहाँ पर जाना पड़ेगा। और वहाँ पर जाने के बाद में क्या है कि आपको प्रॉपर नींद लेना है। प्रॉपर का मतलब है कि आपको कम से कम है 7 से 8 घंटे तक है वो नींद प्रॉपर लेना है। उसके बाद में आपका फिजिकल है वो देने जाना है। फिजिकल के बाद में क्या है कि आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल में क्या है कि कैंडिडेट्स को क्या है कि 6/9 बन जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर मोबाइल यूज करते हैं और उनका जो नींद है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो उनका आंक 6/6 होने के बावजूद भी उनको 6/9 का सामना करना पड़ता है और उनको रीमेडिकल मिल जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना। आपको मेडिकल है तो उसमें क्या है कि आपको 7 से 8 घंटे तक पूरी नींद लेकर मेडिकल में जाना है। और साथ में बता दूँ आपको मेडिकल में क्या है कि आपका सबसे कॉमन से जो होती है वो है कि आपका टूथब्रश। कुछ कैंडिडेट्स क्या है कि वहाँ पर टूथब्रश यूज नहीं करते हैं, और जो टंग क्लीनर होता है वो भी आप क्या है कि कैंडिडेट्स यूज नहीं करता, जिसकी वजह से क्या है कि मेडिकल ऑफिसर के सामने आपका जो नेगेटिविटी है वो चला जाता है। यानी कि जब आप मेडिकल ऑफिसर आपका टंग वगैरह या आपका जो मुंह है वो चेक करता है, तब क्या है कि वहाँ पर आपका मुंह बदबू मारने लगता है। तो उसमें क्या है कि आपका जो भी माइल्ड सा पॉइंट होता है तो भी आप क्या है कि मेडिकल से बाहर हो जाते हो। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना। आपको मेडिकल में जाना है उससे पहले आपका क्या है कि पूरी तरीके से है दाँत साफ होना चाहिए, और जो टंग क्लीनर आता है उसको क्या है कि आप यूज करके आपका टंग है वो पूरी तरीके से क्लीन होना चाहिए। ये था आपका टंग क्लीनर के बारे में। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको क्या है कि जो मेल हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो उनके लिए क्या है कि आपको किस प्रकार से कपड़े वगैरह पहनकर जाना है। तो आपको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा है फॉर्मल ड्रेस का यूज करना है। और दूसरा है बता दूँ कि जो मेल कैंडिडेट है फीमेल कैंडिडेट है तो उनको क्या है कि जो रनिंग है वो तो आपको स्पोर्ट्स जो शूज आता है उसमें करना होगा, परंतु आपको क्या है कि साथ में स्लीपर भी रखना है। स्लीपर क्यों है कि आपका जो मेडिकल होगा वहाँ पर आपको क्या है कि स्लीपर का यूज करना है। मेडिकल से पहले है आपको क्या है कि स्लीपर यूज करना है, फिजिकल आपको क्या है कि शूज के साथ कर लेना है, उसके बाद में आपको स्लीपर यूज में लेना है। और साथ ही है आपको क्या है कि फॉर्मल ड्रेस में रहता है, यानी कि लोअर और जो टी शर्ट होता है वो आपको पहनकर जाना है। और दूसरा बता दूं कि मैं आपको साथ साथ है जो आपको कम से कम है जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो आपको नए लेकर जाने हैं।
और आपको क्या है कि जो 7 से 8 दिन वहाँ पर रुकोगे तो आपको नहाने और धोने की जो प्रॉपर जो व्यवस्था है वो वहाँ पर रखनी है, और मेडिकल से पहले है वो आपको प्रॉपरली नहा धोकर और पूरी तरीके से जो डीओ वगैरह है वो लगाकर आपको मेडिकल में जाना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये आपने डीओ को मेरे बारे में बता दिया आपने, और दूसरा मैं बता दूं कि आई विजन का कैंडिडेट्स के प्रॉब्लम हो जाता है कि जो प्रॉपरली नींद नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको क्या है कि जो आई विजन है वो अब उनका 6/9 हो जाता है। तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका बीपी, आपका मेडिकल और फिजिकल से पहले है वो आपका अपना जो बीपी है वो आपको मपवा लेना है, क्योंकि अगर आपका बीपी अगर हाई और लो हो रहा है तो क्या है कि वहाँ पर आप टेबलेट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। और आपको क्या है कि जो मेडिकल होगा उसमें आपको किसी भी प्रकार का घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मेडिकल होगा वो बहुत ही नॉर्मल सा होता है, और उसमें क्या है कि आपको अगर किसी प्रकार का पॉइंट जो आपको डिटेक्ट हो नहीं रहा तो आप क्या है कि जनरली फिट हो जाते हो, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बन पाता। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को जो डाउट रहता है और सबसे बड़ी गलती करते हैं वो होता है ईयरवैक्स। ईयरवैक्स में क्या है कि कैंडिडेट्स है वो प्रॉपरली रिमूव कराकर मेडिकल में नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कान का पर्दा नहीं दिखाई देता है और वो क्या है कि उनको पॉइंट बन जाता है कान का। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना। मेडिकल से पहले है वो कम से कम आपको मेडिकल और फिजिकल से पहले है वो 4 से 5 दिन पहले अपना जो कान है पूरी तरीके से साफ करा कर मेडिकल में जाना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बात करें तो आपका हीमोग्लोबिन है वो कम से कम है फिजिकल से पहले है 10 दिन पहले आपको हीमोग्लोबिन चेक करवाना है। 10 दिन पहले अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम या फिर ज़्यादा आ रहा है तो उसको क्या है कि आप मेडिसिन वगैरह लेकर और आप क्या है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको जो आपका जो रेंज है उसमें आपको लाना है। मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 12 से 16 तक हीमोग्लोबिन फिट हो जाता है, फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 10 से 14 तक हीमोग्लोबिन फिट हो जाता है। और बीपी की मैं बता देता हूँ, बीपी का अगर रेंज है आपका 100 से 140 तक अगर आपका बीपी का रेंज आ रहा है तो आप जनरली फिट हो जाते हो। जो सिस्टोलिक होता है उसके बारे में बता रहा हूँ, और डायस्टोलिक की बात करें तो आपका 60 से अगर आपका 90 डायस्टोलिक है तो आप जनरली फिट हो जाते हो। इस रेंज में अगर बीपी आ रहा है तो आप जनरली फिट हो जाओगे। और दूसरा होता है कि आपका हार्ट बीट है वो होना चाहिए आपका 50 से 100 की रेंज में, आपका हार्ट बीट होना चाहिए। इस प्रकार से जो पॉइंट्स होते हैं जो वो आपको पहले ही आपका जो मपवा कर और मेडिकल में जाना है। और दूसरी बात करते हैं कि आपका वेट, वेट में काफ़ी कैंडिडेट्स क्या है कि डाउट रहता है कि सर मेरा 5 किलो वेट ज़्यादा है, 6 किलो वेट ज़्यादा है। तो क्या है कि 2023 की जो भर्ती हुआ था एसएससी जीडी में, वहाँ पर आपको क्या है कि वेट में +5 और -5 का तक आपको क्या है कि छूट दे दिया गया था। जो ओवर वेट थे उनको क्या है कि -5 करने पर अगर उनका वेट चार्ट के अनुसार वेट आ रहा है तो क्या है कि फिट कर देते, और जो कैंडिडेट है अंडर वेट है उनमें क्या है कि +5 करके और जिनका क्या है कि वेट चार्ट के अनुसार वेट आ रहा है तो वो फिट हो जाते थे। तो आपको कोशिश करना है कि जो आपका वेट है वो वेट चार्ट के अनुसार रहे, और आपका अगर ओवर वेट है या अंडर वेट है तो उसको क्या है कि आप मेडिसिन वगैरह लेकर और आप क्या है कि कुछ खुराक अपना बढ़ाकर और उसको अपना जो वेट चार्ट के अनुसार वेट करके मेडिकल में जाना है, अन्यथा वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और वेट की बात करें तो आपको अपना वेट है वो कम से कम है 20 दिन पहले अपना वेट जरूर मपवा लेना है, और 20-25 दिन अगर आपको पहले ही पता चल जाओगे तो आप क्या है कि वेट को कवर कर लोगे। ये थे जो कैंडिडेट्स के बहुत ही सिंपल से और बहुत ही क्या है कि डाउटफुल ये जो पर्सन थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ही किसी प्रकार से मेडिकल संबंधित या फिर अन्य किसी प्रकार का अगर डाउट है तो जो ये ऊपर नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और यूजफुल रहा होगा, और आपको कि जो इसमें वीडियो में बताया गया है वो आपको फॉलो करके ही मेडिकल में जाना है, क्योंकि आपको जो माइल पॉइंट डिटेक्ट हो जाता है कैंडिडेट्स के वो क्या है कि वहाँ पर आपका जो डॉक्टर है वो जनरली क्या है कि आपको फिट कर देते हैं। अगर आपका जो हाइजीन वगैरह पर्सनल हाइजीन ही अगर आपका ख़राब रहेगा तो वहाँ पर क्या है कि डॉक्टर आपके क्या है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी जाने के कारण आपको पॉइंट डिटेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करना है, जो मैंने बताया है उसी प्रकार से आपको फॉलो करना है। मेडिकल और फिजिकल के लिए सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।